अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, नाना के दीन पर जान कुर्बान करने वाले इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की याद का दिन। शाम गरीबा में अहले बैत पर ढाए गए मजालिम का तस्किरा, हर दिल गमे हुसैन में डूबा और आंख पुरना, सजदे में सर और तीन दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और रफका की जावेदा कुर्बानियों को खराज अकीदत, मुल्क भर में शबीए जुलजना, अलम और ताजिए के जुलूस, मजालिस आजा, लोहा खानी और सीना को भी। मुल्क भर में मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदामात, हजारों अहलकार तैनात, सीसीटीवी कैमरों और हेलीकॉप्टर से निगरानी, मुख्तलिफ शहरों में बंद की गई मोबाइल सर्विस बहाल होना शुरू। मुल्तान में यौम आशूर पर हलीम की 100 मन वजनी डे तैयार की गई, दीगर शहरों में भी नजरो न्याज का सिलसिला रहा, मासूमीन की प्यास की याद में जगह जगह सबीलें भी कायम की गयी। मकबूजा कश्मीर में कठपुतली हुकूमत ने मजहबी आजादी भी सल्ब कर ली, मकबूजा वादी फौजी छावनी का मंजर पेश करने लगी, काबिज फोर्सेस का आशूरा के जुलूस पर लाठी चार्ज, मुतादिद अजादार जख्मी, दर्जनों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया, हुर्रियत रहनुमा भी नजरबंद। यौम आशूर पर लाखों जायरीन की करबला आमद, दुनिया भर से आए अजादारान जिगर गोशाए बतूल का पुरसा दे रहे हैं, हक़ो बातिल का मुआरका आज भी बपा। मशरिक वुस्ता, अमरीका, बरतानिया और दुनिया भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, खानवादा रसूल की कुर्बानियाँ आज भी मशले रहा। अमरीका की नई अफगान पॉलिसी के बाद अस्करी कयादत का दौरा अफगानिस्तान, काबुल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात, दहशत गर्दी के खिलाफ दो तरफा तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पर एहतसाब अदालत कल फर्द जुर्म आयद करेगी, अदालत ने हसन हुसैन मरियम और कैप्टन सफदर को भी तलब कर रखा है। नवाज शरीफ कहते हैं कुलसूम नवाज जैसे ही सेहतियाब होंगी बच्चे वापस आकर अदालतों में पेश होंगे। इस्लामाबाद आमद से कबल रायविंद रिहायशगाह पर कुरान खानी और महफिल नाक का अहतमाम, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी शरीक, नवाज शरीफ ने वालिद की कब्र पर भी हाजिरी दी और फातिहा खानी की। नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने के लिए नून लीग की कानूनी और सियासी हिकमत अमली तैयार, कश्मीर नून की मरकजी मजलिस आमला और मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास कल होंगे। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास कल होगा, सेनेट से मंजूर शुदा इंतखाबी इस्लाहात बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, नून लीग ने अरकान को कल इजलास में पहुंचने की हिदायत कर दी, अपोजिशन ने भी एहतजाज का प्लान तैयार कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान दीनी जमातों के इत्तेहाद के लिए सरगर्म, एमएमए में शामिल जमातों का अहम इजलास 12 अक्टूबर को बुला लिया। कराची के इलाके गुलिस्ताने जौहर में खवातीन पर चाकू के वार करने वाला कौन है, पुलिस मुजरिम का पता लगाने में अब तक नाकाम, पुलिस की जारी करदा तस्वीर में भी मुलजिम की शनाख्त मुमकिन नहीं, जख्मी खवातीन की तादाद 7 हो चुकी, पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही और गिरफ्तारी में मदद देने पर 5 लाख रुपए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्ला ने अमरीका और इसराइल को वार्निंग दे दी, कहा अगर खित्ते को किसी जंग की जानिब धकेला गया तो वो इसराइल के लिए खतरनाक होगा, अमरीका खित्ते के लिए अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त करे। यमन में हौसी बागियों का अमरीकी ड्रोन तैयारा गिराने का दावा, ड्रोन दारुलहुकूमत सना में गिराया गया। स्पेन
स्पेन के कतालोनिया रीजन में आजादी का रेफरेंडम रुकवाने की कोशिश, पुलिस और रेफरेंडम के हामियों में झड़पें। अदालत पहले ही रेफरेंडम को गैर कानूनी करार दे चुकी। ऑस्ट्रिया में अवामी मकामात पर पूरे चेहरे के नकाब पर पाबंदी आयद कर दी गई, मुसलमान तंजीमों की पाबंदी की मजम्मत। फ्रांस में एक जुनूनी शख्स ने चाकू के वार करके दो खवातीन को कत्ल कर दिया, फोर्सेस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। नेपाल में 3 साल बच्ची को जिंदा देवी का दर्जा दे दिया गया, जुलूस की शक्ल में घर से दरबार तक ले जाया गया, बालिग होने तक पूजा की जाएगी। चीन में 68वें यौम आजादी पर जश्न, तकरीब में परचम कुशाई और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग करते 9 उम्र लड़के के बराबर से शार्क गुजर गई, खुशकिस्मती से खूंखार मछली ने ध्यान नहीं दिया। और न्यूयॉर्क में 78 बरस पुराने पुल को मुनहदिम कर दिया गया, बारूद के तरतीबवार धमाकों से तवील पुल जल्द लम्हों में जमीन बोस हो गया। दस मुहर्रमुल हराम, शहादत हजरत इमाम हुसैन का दिन, मुल्क भर में निकलने वाले यौम आशूर के जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए हैं। दिन भर सिक्योरिटी के उम्दा इंतजामात की बिना पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अजादारों ने गमे हुसैन मनाया, बेशतर शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद रही जो अब दोबारा बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। मॉनिटरिंग रूम्स कायम किए गए थे जिनके जरिए जुलूसों के रास्तों की निगरानी की जाती रही। नाना के दिन पर जान कुर्बान करने वाले इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हों को याद करने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां शाम गरीबा बपा की जा रही है और अहले बैत पर ढाए गए मजालिम का तस्करा किया जा रहा है। हर दिल गमे हुसैन में डूबा है, हर आंख पुरनम है। हम आपको आगाह कर रहे हैं मुल्क भर की सूरत हाल से, जहां निकाले जाने वाले यौम आशूर के मुख्तलिफ जुलूस इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। दिन भर हमने देखा कि सिक्योरिटी के इंतहाई बेहतर इंतजाम किए गए थे और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नाखुशगवार वाकया कहीं भी पेश नहीं आया। आजादारों ने गमे हुसैन मनाया और इस दौरान बेशतर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। कराची में यौमे आशूर का मरकजी जलूस सुबह 10 बजे नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर तक पहुंचा, जहां शुरका ने उल्मा की कियादत में नमाज ज़हरैन अदा की। नमाज की अदायगी के बाद शुरका फिर अपनी मंजिल की जानिब गामजन हुए। इस दौरान नोहा खानी, सीना गोदी और मातमदारी का सिलसिला भी जारी रहा। जुलूस की गुजरगाहों पर अदादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें कायम की गई थीं, जबकि नजर व नियाज का भी खसूसी एहतमाम किया गया था। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जुलूस का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पूरे सिंध में जहाँ जहाँ पे भी जुलूस निकलते हैं, मजालिस होती हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो भी जैसे कहते हैं कि एक इंसान के बस में इकदाम होते हैं वो किए हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी के हिसाब से सारे इकदाम किए हुए हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद भी एमएजिना रोड पहुंचे और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर काम किया। पुलिस के साथ मसाली कोऑर्डिनेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको मुश्ताक बेहतर बता सकेंगे। पुलिस कोई तकरीबन 6000 है इस वक्त डिप्लॉयड यहाँ और रेंजर्स कोई 2000 है यहाँ पर। जुलूस के दौरान एमएजिना रोड और उसके अतराफ की गलियों और रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद किया गया था, जबकि बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात थे। जुलूस की हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी भी की जाती रही। यौमे आशूर पर शहर में मोबाइल फोन खामोश रहे, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आई थी। साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तजा और खावर हुसैन के साथ फिजान जलीस, आर न्यूज कराची।
नज़ीम सिंध के दिगर शहरों में भी शहदाए करबला को सलाम पेश करने के लिए यौम आशूर पर सैकड़ों जुलूस निकाले गए, जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्रा मंजिलों पर इख्तिताम पज़ीर हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सिंध के छोटे बड़े तमाम शहरों में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगा मौला अली से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से गुजरकर करबला दादन शाह पर इख्तिताम पज़ीर हो गया। सखर में नौढाली का तारीखी मातमी जुलूस इमाम बारगाह शाहिरा करबला रोहड़ी से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से होता हुआ शहदाए कब्रिस्तान स्टेशन रोड पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। लाड़काना में यौम आशूर के 180 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद हुए। मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह शाह करबला से बरामद होकर बारगाह शाह करबला पहुंचकर मुकम्मल हुआ। भोटकी में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ। ठट्ठा में भी यौम आशूर पर 20 से ज्यादा मातमी जुलूस निकाले गए। जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और रजाकार तैनात थे, जो शुरका को मुकम्मल तलाशी के बाद अंदर दाखिल होने की इजाजत दे रहे थे, जबकि सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाती रही। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला गामिशाह पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। मजीद जानते हैं आज यूएस के नुमाइंदे अदनान खालिद से। तो अदनान, बताइएगा, जुलूस इस वक्त अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं? शाम गरीबा बप्पा हो चुकी होगी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों मोची गेट, रंग महल चौक, इस शालमी चौक और बाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, जिसमें अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद ने जो है शिरकत की, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। अगर बात की जाए जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से, जुलूस के तमाम रूट को जो है वो बैरियर्स कंटेनर्स लगा कर तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जो है वो इस जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात किया गया था। इसके अलावा डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, रेस्क्यू और बम डिस्पोजल के स्क्वाड भी आज ड्यूटियों पर तैनात थे। अहम अमारात जो इस जुलूस के रास्तों पर थी, वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए गए थे और फजाई निगरानी भी इस जुलूस की जो है हेलीकॉप्टर्स की मदद से की जाती रही। सेफ सिटी कैमरा और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस पूरे जुलूस की जो है वो मॉनिटरिंग की जाती रही। ओवरऑल इस जुलूस को सख्त सिक्योरिटी दी गई और इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ ये जुलूस जो है करबला गामे शाह पर एहतसाम पजीर हो चुका है, जिसमें अजादारों के लिए इस जुलूस के रास्तों में ज़ादारों के लिए खसूसी सबीलें भी लगाई गई, खाने पीने के अहतमाम भी किए गए। जुलूस की आज पूरा दिन क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रा रास्तों अंदरून मोची गेट और लोहारी गेट से होता हुआ चौक रंग महल पहुंचा, जहां अजादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। इस मौके पर ज़ाकरीन ने फजाइल करबला बयान किए। अंदरून शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस में शामिल गमे हुसैन में डूबे आज़ादार शहदाए करबला को पुरसा देने के लिए गिरिया, मातम, जंजीर जनी और नोहा खानी करते रहे। शुरका जुलूस के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पानी, शरबत, दूध और चाय की सबीलें भी लगाई गईं, जबकि लंगर की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। जुलूस के तमाम रास्तों को सिक्योरिटी के पेश नजर खारदार तारों, कंटेनर्स और बैरियर्स लगाकर बंद रखा गया। शहर में डबल सवारी की पाबंदी और मोबाइल फोन सर्विस की मुअत्तली पर भी सख्ती से अमल दरामद किया गया, जबकि जुलूस के रास्तों की फजाई निगरानी भी की गई। नाज़रीन, पंजाब भर में यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। अज़ादारों ने खानवादे रसूल और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए सीना कोबी और जंजीर जनी भी की। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस संतपुरा से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ। मुल्तान में 114 जुलूस बरामद हुए, जो अपनी मुकर्रा मंजिल शाह शम्स तबरेज पहुंचे। अज़ादार जुलूस के रास्तों पर जंजीर जनी और सीना कोबी करते रहे।
गुजरांवाला का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्ताने मार्फत कॉलेज रोड से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। मंडी बहाउद्दीन में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह सजादिया पहुंचकर, जबकि सरगोधा में यौम अशूर का मरकजी जुलूस करबला मंजिल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में खवातीन और बच्चों समेत अजादारों की बड़ी तादाद शरीक थी। हर शख्स गमे हुसैन की याद में अजादारी करने में मसरूफ था। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रूट से गुजरता हुआ फवारा चौक पहुंचा, जहां शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। इस मौके पर ज़ाकिरीन ने फलसफा शहादत इमाम हुसैन पर रोशनी डाली। आपने फरमाया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए इन्ना अहलु बैत नबुवा व मादनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व महबतुर रहमा बिनाफत हल्ला व यख्तिमु। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस की गुजरगाहों पर 450 CCTV कैमरे नस्ब किए गए थे, जबकि पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते रहे। जुलूस के बाद शहर में मोबाइल फोन खामोश और मेट्रो बस सर्विस बंद रही। नाज़रीन, इस वक्त रावलपिंडी का मरकजी मातमी जुलूस कहाँ पहुँचा है और ये कब तक इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, यही जानने के लिए हमने राबिता किया है हमारे नुमाइंदे यासिर नज़र से। यासिर नज़र, कहिएगा। जी बिल्कुल, जो मरकजी मातमी जुलूस सुबह कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद हुआ था अपने रवायती रास्तों फवारा चौक और जो दीगर रास्तों से होता हुआ, अब कदीमी इमाम बारगाह यहाँ पर पहुँच चुका है और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जब ये जुलूस यहाँ पहुँचा तो सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम हमें दिखाई दिए। 7,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार थे वो मौजूद थे, FC के एहलकार जो थे वो भी जुलूस के साथ सारा दिन मौजूद रहे और इसी तरह मजमू तौर पर जो जितना भी एरिया था जुलूस के रास्ते थे उनको क्वार्डन ऑफ किया गया था, जिसके बायस ये जुलूस जो है बहफाजत मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम में अब जो कदीमी इमाम बारगाह है यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके बाद ये जुलूस यहीं आके इख्त हो जाएगा और इसके बाद लोग जो यहाँ से जो अपने अपने इमाम बारगाह हैं वहाँ पर जाएंगे। तो इस तरह मजमू तौर पर आज सुबह से अब तक इस जुलूस के साथ हम मौजूद रहे बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम में, जिसमें रेंजर के एहलकार भी थे, पुलिस के भी और यहाँ के जो अपने रजाकार थे उनकी मौजूदगी में अब ये जुलूस कदीमी इमाम बारगाह पहुँच चुका है और अगले चंद लम्हों के बाद ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उधर पिशावर समेत सूबे भर में यौम आशूर नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अजादाराने हुसैन ने मातम और जंजीर जनी करके इमाम अली मकाम को हदिया पेश किया। पिशावर से शाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। पिशावर में इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिज़वी से यौम आशूर का पहला जुलूस बरामद हुआ, जो रवायती रस्तों से होता हुआ दोबारा इसी मुकाम पर इख्तिताम पजीर हो गया। जबकि चर्च रोड के इलाके के इमाम बारगाहों से 12 छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद हुए, जो अपने अपने इमाम बारगाहों में आकर इख्तिताम पजीर हो गए, जिसके बाद शामी गरीबा की मजालिस पड़ी गयी। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई ऐसा तो अभी तक कोई इस तरह हमें हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसा हमें एक्टिविटी नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सिक्योरिटी एवन है और हम यही दुआ करते हैं कि हमारे सारे अजादार, हमारे सारे मोमिनीन शहर की किस जगह पे भी हों, अल्लाह उनकी अजादारी कबूल करे और पुरमन तरीके से उनकी अजादारी मुकम्मल हो जाए। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात की गई थी। अंदरून शहर को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। जुलूस के गुजरगाहों में आने वाले तमाम बाजार बंद थे, जबकि जुलूसों की खुफिया कैमरों से भी कड़ी निगरानी की जाती रही। बाकायदा कंटिजेंसी प्लानिंग की हुई है और हमारी रिजर्व वगैरह भी मौजूद है, हमारी स्ट्रेटेजी भी इन प्लेस है और फौज के अलावा जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हैं वो भी स्टैंड बाय मोड में QRF मोड में हमें अवेलेबल है। मोबाइल सर्विस मुअत्तल, जबकि मोटरसाइकिल के डबल सवारी पर रोजे आशूर पर भी पाबंदी बरकरार रही। डिप्टी कमिश्नर साकिब रजानी भी जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया और CCPO और दीगर अफसरान के साथ सुप्रीम कमांड पोस्ट से जुलूसों की निगरानी करते रहे। शहाबुद्दीन, आज न्यूज पिशावर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 10 मुहर्रम अल हराम के जुलूस निकाले गए। इस दौरान अजादारों की जानिब से नोहा खानी और मातमदारी का सिलसिला भी जारी रहा, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। डेरा इस्माइल खान में मरकजी मातमी जुलूस थल्ला बम्बो शाह से निकाला गया, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कोटली इमाम हुसैन पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ।
ایبٹ آباد کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے گزرتا ہوا ازغریہ امامیہ ڈگی محلہ پہنچ کر مکمل ہوا۔ ہری پور میں ماتمی جلوس امام بارگاہ تکیہ مان کرائے سے برآمد ہوا جو مقرر راستوں سے گزر کر مرکزی امام بارگاہ مان کرائے پر اختتام پذیر ہوا۔ پارا چنار میں 10 محرم کے جلوس کا آغاز امام بارگاہ پارا چنار سے ہوا جو باب علمدار مرکزی امام بارگاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ 10 محرم الحرام کے موقع پر شہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے روٹ پر ہزاروں اہلکار فرائض سر انجام دیتے رہے جبکہ گزرگاہوں کی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی نگرانی کی جاتی رہی۔ رخ کریں گے کوئٹہ کا، جہاں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس سخت حفاظتی انتظامات میں اختتام پذیر ہو چکا ہے، جس میں شریک عزاداروں نے نوحہ خانی اور زنجیر زنی کی۔ محمد خالد مزید بتائیں گے۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس سخت حفاظتی انتظامات میں چوک شودہ علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں کوئٹہ اور گرد و نواح کے 22 ماتمی دستے شامل تھے۔ 22 انجمنیں ہیں مساجد امام بارگاہوں سے جو جلوس برآمد ہوئے۔ 8:15 بجے چوک شہیدہ سے ہمارا جلوس برآمد ہوا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے کچھ مسائل اگر پیش آئے بھی ہے تو انشاءاللہ ختم ہوگا، اور ہم ماضی کی طرح انشاءاللہ سب مل کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلوس کو کامیاب بنائیں گے۔ کچھ خدشات تھے تو اس وجہ سے ہم نے یا اے کیٹیگری ہے سینسٹیو یا ویری سینسٹیو، اور بی کیٹیگری ہے سینسٹیو۔ تو اس کے بعد ڈپلائمنٹ بھی پھر ہم نے اسی طرح 3 لیئرز اس کی سیکیورٹی کی ہے۔ پہلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک کارڈن ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ جلوس کے روٹ کو گزشتہ رات ہی سیل کر دیا گیا تھا۔ میزان چوک پر نماز زورین ادا کی گئی، جہاں پر علماء کرام نے واقعہ کربلا کو حق و باطل کے درمیان عظیم مارکہ قرار دیا۔